नमस्कार दोस्तों, गौरांशा बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और इस सोमवार की सुबह आप सभी का स्वागत है। बाजार के नजरिए को लेकर के कुछ ब्यौरा आपके सामने लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आज सोमवार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और ये गिरावट हम पिछले कुछ दिनों और हफ्तों से बाजार में आते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से संकेतों को लेकर के, नई खरीदारी को लेकर के थोड़े बहुत चिंता के वातावरण है, उसके कारण हमने आज देखा कि जो निचला स्तर हमने निफ्टी पर बजट वाले दिन पर बनाया था वो स्तर हमने तोड़ा और उसके बाद थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं सूचकांकों में। कुछ स्तर आपको बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। सेंसेक्स कामकाज कर रहा है 59,135 पे, 314 पॉइंट की गिरावट है सेंसेक्स में। निफ्टी काम कर आज कर रहा है 17,360 के आसपास, 105 पॉइंट की गिरावट है निफ्टी पर। निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी एकमात्र ऐसी सूचकांक है जो हरे निशान के साथ कामकाज कर रही है, 100 पॉइंट की बढ़त है, 40,010 का स्तर है निफ्टी बैंक पर। रुपये डॉलर का और कच्चे तेल का भी स्तर बता देता हूँ आपको। रुपया कामकाज कर रहा है डॉलर के सामने 82.92 पर, 17 पैसे की गिरावट है रुपए में डॉलर के सामने। और कच्चा तेल ब्रेंट कामकाज कर रहा है 82.85 डॉलर प्रति बैरल और नाइमेक्स कामकाज कर रहा है 76.05 डॉलर्स प्रति बैरल पर। कच्चे तेल में हम गिरावट देख रहे हैं। जिस तरीके से दबाव बन रहा है दोस्तों, और जैसे मैंने बताया आपको कि बजट वाले दिन पे जो निचला स्तर बना था निफ्टी का वो भी स्तर आज हमने तोड़ दिया और थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे, संकेतों को लेकर के, खबरों को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता के वातावरण। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको लेकर के थोड़ी बहुत घबराहट है। और हमारे यहाँ पर जिस तरीके से बड़े बड़े निवेशक बिकवाली कर रहे हैं उसके कारण ये दबाव और थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आया है और आने वाले समय में शायद आपको थोड़े बहुत और निचले स्तर देखने मिल सकते हैं खबरों के आधार पर। स्थानीय मार्केट में भी अगर आप देखने जाएं तो जो निवेशक हैं वो थोड़े बहुत दूर रह रहे हैं, क्योंकि ये जो खबरें उभर करके आई है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से और स्थानीय मार्केट में, उसके कारण मेरे ख्याल से थोड़े बहुत चिंता बाजार में है। स्थानीय रूप में खबरों को लेकर के एक अनुमान ये उभर रहा है कि बारिश का जो मौसम होगा वहां पर अल नीनो का जो एक असर है उसके कारण जो हर साल अनुमान से बेहतर या अनुमान पर बारिश हो रही थी, शायद इस बारी बारिश के जो आंकड़े होंगे अगर अल नीनो का असर ऐसा ही रहा तो शायद जो अनुमान है उससे नीचे या कम बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण जो खाने पीने के पदार्थों के दाम है वहां पर आपको ऊपर के तरफ के दाम दिख सकते हैं। महंगाई अगर ऐसा होता है तो जो महंगाई है उसके स्तर भी आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। और जब भी ऐसा असर आता है दोस्तों किसी भी देश में तो महंगाई के कारण खर्च जो करते हैं लोग वो कम करते हैं या फिर निचले स्तर पर होता है, जिसके कारण जो कंपनियां हैं उनकी जो आमदनी है वहां पर थोड़ा बहुत असर आता है। उदाहरण के तौर पर FMCG क्षेत्र, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो क्षेत्र जो है, नॉन डिस्क्रिशनरी जिसे हम कहते हैं, वहां पर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत नतीजों में जो अनुमान है वो थोड़ा बहुत कमजोर आ सकता है और उसके कारण थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस हमारे बाजार में हो सकता है। लेकिन ये थोड़े जल्द दिन है। अगर वातावरण को लेकर के अल नीनो का असर कम होता है और अगर हमें अनुमान से थोड़ी बहुत बेहतर अगर बारिश होती है या अनुमानित आंकड़े हैं वैसी बारिश होती है तो शायद ये जो महंगाई का डर है, इन्फ्लेशन का डर है, वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। हो सकता है बाजार में जो अंतर्राष्ट्रीय कारण है उसकी एक नकारात्मक परिस्थिति आपको बाजार में आती हुई दिखाई देगी। और जिस तरीके से बिकवाली हो रही है दोस्तों, तो हम हर बार यही कोशिश करते हैं कि जो भी अनुमान है उसके मुताबिक और जो भी आपके पास जोखिम लेने की क्षमता है उसके मुताबिक ऐसे बाजार में गिरते हुए बाजार में एक बहुत ही बेहतरीन मौका होता है आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो खड़ा करने का।
इस साल अगर आप देखने जाए स्थानीय मार्केट में, तो 9 राज्यों में चुनाव होंगे यूनियन टेरिटरीज के साथ साथ, उसका भी असर जो है बाजार पर आपको थोड़ा बहुत देखने मिलेगा, और फिर अगले साल एक बहुत बड़ा चुनाव। ये सब समीकरण को सामने रखते हुए दोस्तों हम आपको ये राय देंगे कि अगर आप साल भर का नजरिया रखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आपको करना पड़ेगा। 1.5 से 2 साल का अगर आप नजरिया रखते हैं तो हमारे यहाँ पर इस साल के जो राज्य स्तर के और यूनियन टेरिटरीज के चुनाव होंगे उसके भी परिणाम के आधार पर बाजार में आपको असर आता हुआ दिखेगा, और फिर 2024 में एक बड़ा चुनाव, वो भी मेरे ख्याल से अगर आप 2 साल का नजरिया रखते हैं तो ये सब घटनाक्रम जो है ये पूर्ण रूप से आपको समाप्त होते हुए दिखेंगे, और चुनाव के नतीजों के आधार पर बाजार आपको रिएक्शन करता हुआ दिखेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि छोटी या मध्यम अवधि में अगर आप सौदे करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत सावधान रहना चाहिए, और जो भी आपको मुनाफा थोड़ा बहुत मिलता है वो धीरे धीरे आप समेटने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप निवेशक हैं, छोटी मध्यम अवधि का चिंता की चिंता आपको नहीं सताती है, तो मेरे ख्याल से हर बार की तरह हम आपको कुछ विकल्प देते हैं बुनियादी तर्क के आधार पर निवेश करने के लिए। तो आज भी हम 2 विकल्प लेकर के आए आपके सामने। पहला विकल्प है होटल्स क्षेत्र से जुड़ी हुई एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी, इंडियन होटल्स। इस कंपनी ने मैनेजमेंट ने कुछ टिप्पणियां करी थी, आने वाले 2 या 3 सालों में 40 नए होटल्स खोलने की बात करी है, ऑक्यूपेंसी लेवल बेहतर हो गए, रियलाइजेशन बेहतर हो गए, और छुट्टियों को लेकर के और कामकाज को लेकर के जिसे हम लीजर और बिजनेस ट्रेवल्स कहते हैं उसके कारण जो ऑक्यूपेंसी रन रेट है वो बेहतर होगी, रियलाइजेशन पर रूम बेहतर होंगे, फूड एंड बेवरेजेस से जो आमदनी होती है वो भी आपको सुधरती हुई नजर आएगी। और एक पूरा समीकरण हमें कहता है कि ये एक ऐसी होटल है जहाँ पर अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो हमें लग रहा है कि एक अच्छा विकल्प है हॉस्पिटैलिटी स्ट्रोक होटल सेक्टर में इंडियन होटल्स। दूसरा विकल्प दोस्तों है ऊर्जा उत्पादन यानी कि पावर जनरेशन से। सरकारी कंपनी NTPC भारत में सबसे बड़ी क्षमता वाली कंपनी है ये ऊर्जा उत्पादन को लेकर के, और इस साल जिस तरीके की गर्मी हम देखेंगे ऊर्जा की मांग ऊपर जाती हुई दिखी देगी। ठंडी के मौसम में भी अगर आप देखने जाएं तो साल दर साल औसतन जो मांग होती उससे बेहतर मांग थी ऊर्जा की, और ये कंपनी न तो सिर्फ कन्वेंशनल एनर्जी में है लेकिन मैनेजमेंट ने टिप्पणियां करी है सूर्य से जो ऊर्जा उत्पादन तो होती है जिसे हम सोलार एनर्जी कहते हैं वहां पर भी जाने की बात करी है, वायु से जो ऊर्जा उत्पादन जिसे हम विंड एनर्जी कहते हैं वहां पर भी ये अपने लक्ष्य कदम रखने की बात कर रही है, सरकार के तरफ से ऊर्जा उत्पादन की जो नीतियां हैं वहां पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और अगर खपत ऊर्जा के ऊपर जाती है तो ऊर्जा उत्पादन कंपनी के जो नतीजे हैं वहां पर आपको बेहतर आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। तो ये 2 विकल्प है दोस्तों, एक है होटल्स स्ट्रोक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से इंडियन होटल्स, और दूसरी कंपनी है ऊर्जा उत्पादन करने वाली भारत में स्थापित सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी NTPC। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और मुझे अब आप इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।